हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो आप? से उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। केरला T20 ट्रॉफी के 27 मैच के अंदर बात करेंगे। मुकाबला KOL वर्सेस PEL के बीच में मैच खेला जाएगा और इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से आप सबको अपने स्मॉल टीम्स में पिक करके चलना और किस प्लेयर को यहाँ से आप सबको अपने GL टीम्स में पिक करना और बैक टू बैक हम केरला T20s के अंदर प्रॉफिट ही कमा रहे, तो ये भी मैचेस इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है और रिजा इन्वेस्टमेंट के लिए इस मैच में भी रिकमेंड करेंगे। बहुत सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस इस मैच में नजर आएंगे जिनकी कैप्टनसी सिलेक्शन आपको 1% और 2% दिखेंगे। तो किस प्लेयर के साथ आपको स्मॉल लीग्स में कैप्टन करके चलना है, किस प्लेयर के साथ आपको अपने GL टीम्स में और मिनी ग्रैंड लीग्स में कैप्टन वाइस कैप्टन करना, और ये आपको टीम में क्या कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट रह सकते हैं जो डिफॉल्ट प्लेयर के तौर पे काम करेंगे, वो सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में ही मिलेंगे, तो एंड तक देखिएगा। और गाइस, सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ वगैरह रहेंगी इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आपको ही मिलेगा। वैसे भी गाइस, आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को भी हमारे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये केरला T20 ट्रॉफी का 27 मैच है जो कि मुकाबला 9 बजे करीब में शेड्यूल्ड है। हम इनकी वेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ST Xavier कॉलेज ग्राउंड तुम्बा के अंदर ये मैच देखा है, जिसका एवरेज स्कोर 140 और 160 के आसपास में आपको ये स्कोर बनते हुए इस वेन्यूज पर दिखेंगे। और पिच कंडीशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक तरह से बैलेंसड ही है, जहाँ पे थोड़ी बहुत पेसर्स को अच्छी मदद मिली है, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बॉलिंग से हमारे फास्ट बॉलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस मैच के लिए रह सकते हैं। अभी तक जितने भी मैचेस हुए ना तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से फास्ट बॉलर्स को अच्छी मदद मिली है इस वेन्यू पर। इनके अलावा आप @ फैंटसी ग्रीक फैन सर्च करके हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाएं, अगर जो भी हमारी फाइनल टीम्स होंगी या फिर टीम में फर्दर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे गए जो KOL के टीम है, रिसेंट के अपने 2 मैचों में एक जीते और एक हारे भी हैं गए, सॉरी एक बाउंडेड हुआ था और एक मैचेस अपने जीत कर आ रही है, तो अभी तक एक ही मैचेस इनकी टीम ने खेली हुई है। तो इनकी ही टीम की ओर से राहुल शर्मा नजर आएंगे, जिसमें राइट हैंडर बैट्समैन और ऑफ ब्रेक बॉलिंग है, टीम के लीड कर रहे हैं और खेले गए लास्ट मैचों में डक पर आउट थे। हालांकि 33 मैचेस से टोटल 524 रन 20 के एवरेज 4 विकेट्स थे, बॉलिंग एक दाव बेस्ट आएंगे, पर जो भी फॉर्म इसे बैटिंग है जिसमें 20 और 30 के आसपास इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, हालांकि अगर दिखेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे अतुलजीत भी दिखेंगे यहाँ पे, जिस राइट हैंडर बैट्समैन, और लास्ट मैच में 37+ स्कोर था और 63 मैचेस टोटल 1486/28 का एवरेज है, इनका 45 विकेट्स भी दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से हम किसी एक ही बैटिंग के साथ जाएंगे। अगर फर्स्टिंग में टीम बैटिंग कराती है तो आप दोनों ही जो बैटिंग अपने टीम में रिस्क ले सकते हैं। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अतुलजीत रहेंगे इस मैच के लिए। अक्षय मनोहर की बात करेंगे तो ये 10 मैचेस 75 रन 2 विकेट्स था, लास्ट मैचों में डक पर आउट 1 विकेट्स, पूरे 4 ओवर्स के बॉलिंग, और ये ऑफ ब्रेक की बॉलिंग आते हैं, 3 से 4 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, तो टीम के सेफ ऑलराउंडर प्लेयर जिसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों ही टॉप ऑर्डर में दिखेगा, तो आप इनको ज़रूर टीम में लेकर जाएं। बाकी के जो नज़ीर नज़र आएंगे तो राइट हैंडर से बैटिंग के लिए लाते हैं, लास्ट मैचों में 8+ स्कोर था और 14 मैचों में टोटल 435/33 का औसत भी है, इनके साथ जाएंगे, नहीं तो शरण में से किसी एक बैटिंग को पिक करेंगे जो कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग के तौर पर अच्छे रन स्कोर करके इस मैच में दे सकते हैं। अमल का जो स्टार्ट है वो 3 मैचों में 73 रन 7 विकेट था और खेले गए लास्ट मैचों में 44 का स्कोर विकेट लेस, जिसमें सिर्फ 2 ही ओवर्स के बॉलिंग दिखेंगे, आसी को ना बैटिंग मिला था ना बॉलिंग खेलते भी हैं, तो इस मैच में यहाँ पे हम इन्हें इग्नोर ही करने वाले। बाकी के ग्रैंड लीग्स वगैरह में आप जरूर से रखें क्योंकि 5 मैचों में 138 रन 46 के एवरेज और 3 विकेट्स थे, तो ग्रैंड लीग्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच के लिए रह सकते हैं। बाकी के दोस्तों जो अंसद की बात करेंगे तो राइट में फास्ट बॉलिंग आते हैं, फास्ट बॉलर्स को अच्छी मदद मिली है इस वेन्यूज़ पे, तो लास्ट के मैचों में 1 विकेट्स था, इनके साथ जाओ, नहीं तो अजय घोष में से किसी को रखना, 29 मैचेस 7 विकेट्स और खेले गए रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट्स, इससे पहले भी 1 विकेट्स नजर आएंगे, तो काफ़ी टच में बॉलिंग इनकी रही तो टीम इनको ही रखेंगे। बाकी के दोस्तों अश्वंत और यहाँ से जो विनय लगी है, दोनों ही बॉलिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अश्वंत का 7 मैचों में 6 विकेट्स था और ये लास्ट मैचों में 2 विकेट्स निकाले, इससे पहले के भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे बॉलिंग से टच में ही थे। साथ ही जो विनय है ये लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग, 7 मैचों में 14 विकेट्स और खेले गए लास्ट के मैचों में 1 विकेट्स नजर आएंगे, और बेंच में से कोई भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलते हैं तो बाकी के सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह इसके अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम के साथ ज़रूर से जुड़ जाइएगा। बाकी की गए जो यहाँ पर PEL की टीमें 2 मैचों में 1 जीते और 1 हारे थे, इनकी टीम की ओर से गौतम नजर आएंगे, जो 4 मैचों में 105/35 के एवरेज था, लास्ट मैचों में 50+ स्कोर, तो इससे पहले सिर्फ 6 ही रन था, इनके साथ विनोद ओपन आए थे और दोनों ही मैच के अंदर फ्लॉप रहे, हालांकि प्लस पॉइंट्स में आपको ये विकेट कीपिंग से कैचेस के पॉइंट्स देंगे, पर इससे पहले के भी कुछ क्लब लेवल मैचेस में देखेंगे तो 6-0 14+ स्कोर, जो कि पूरी तरह से बैटिंग उतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप कृष्णन के साथ ही जाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मॉलिस के रहेंगे। अश्विन आनंद को रख रहे हैं जो 8 मैचों में 121 और जहाँ पे 2 विकेट्स भी थे,
लास्ट मैच में 29 से पहले 17+1 विकेट, इसमें 3 ओवर इसके बॉलिंग पार्ट टाइम आती है, पर जो बैटिंग औसत है वो थोड़ी अच्छा इनका है, तो टीम में आप इन्हें ज़रूर लेकर जाएं। अक्षय की बात करेंगे तो ये बॉलिंग बैटिंग दोनों कराते हुए दिखेंगे। 13 मैचेस 200 रन, 20 के एवरेज, 13 विकेट्स भी थे, और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट मीडियम बॉलिंग है। लास्ट मैचों में 4 का स्कोर 1 विकेट था, और सेकेंड मैच में भी देखें तो 7 का स्कोर 1 विकेट था, तो पूरे 2 से 3 ओवर बॉलिंग कराते हुए इस मैच में भी नज़र आएंगे। टीम में आप इन्हें ज़रूर रखें। बाकी के दोस्तों यहाँ पर जो नफल इन ग्रैंड लीग्स वगैरह में रखना चाहेंगे और खास के साथ जाएँ, जहाँ पे 65 मुकाबले 1642 रन, 37 के एवरेज और 51 विकेट्स भी थे, और 2 मैचेस के अंदर काफ़ी अच्छे टच में रहे। लास्ट मैच में 1 विकेट, इससे पहले 23+2 विकेट्स था, तो मिडल ऑर्डर बैटिंग है, बॉलिंग भी 3 से 4 ओवर करा रहे, तो ज़रूर इनको टीम में रिस्क लेकर जाएँ। बाकी जो हरिकृष्णन है ये विकेट कीपिंग है, 7 से 8 नंबर बैटिंग ऑर्डर रखने और ना रखने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो इग्नोर ही करो। और दोस्तों यहाँ पे जो जिस तरह से संग्रेत के स्टार्ट्स है ना, वो 15 मैचों में 11 विकेट्स और राइट मीडियम बॉलिंग है। लास्ट मैच में 3 विकेट्स, इससे पहले 1 विकेट था। मोस्ट प्रॉब्ली टीम के अच्छे बॉलिंग प्लेयर हैं, टीम इनको लेकर जाएं। बाकी के जो यहाँ पर अजमल है, 2 विकेट 1 विकेट, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करा रहे हैं और अच्छे टच में बॉलिंग से भी दिखेंगे, तो काफ़ी अच्छे विकेट टेकर्स भी ये में भी ओवर्स कराते हुए दिखेंगे, तो टीम में आप इन्हें ज़रूर रखें। बाकी के जो यहाँ पर दोस्तों विपुल दिखेंगे ना, 1 मैच के अंदर 1 विकेट और लास्ट मैच में विकेट लेस रहे, इनकी ओवर्स भी कट रहे हैं। अतुल राज का भी 5 मैचों में सिर्फ 6 ही विकेट्स था, रिसेंट के फॉर्म 1 विकेट्स 1 विकेट्स, अगर फर्स्ट इनिंग में टीम बॉलिंग कराएंगे तो ज़रूर इस मैच में इनको पिक करके चलेंगे, और बेंच में से कोई भी प्लेयर यहाँ से खेलता है तो बाकी के इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह के जिसके अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम के साथ ज़रूर से जुड़ जाइएगा। बात करते हैं टीम के बारे में। सबसे पहले तो देखो, जितने लोग अभी तक विजन 11 ऐप को नहीं डाउनलोड किया अभी जाके कर लो, इनवाइट कोड में एप सी यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा रियल कैश भी आपको मिल जाएगा, जिसे आप यूज़ करके 3 मेंबर 4 मेंबर में भी काफ़ी लाखों रुपये जीत सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर 1 लाख रुपए का फ्री गिवअवे है, इसमें भी आप ज्वाइन कीजिएगा। इनके अलावा गाइस देखेंगे तो काफ़ी न्यू फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, अगर देखेंगे तो जो TDS वगैरह है वो आपको नहीं लग रहा है, बिल्कुल तरह से टैक्स फ्री ऐप है और कंपटीशन बहुत ही लेस है। अगर आपको इजीली प्रॉफिट कमाना है तो ओनली वन विजन 11 पे ही आप सब खेले। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको प्रॉफिट ना मिले तो हमें कहना आके, और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ज़्यादातर वो चीज़ें मुझे रिजल्ट मिला, जितने भी हमारे यूजर्स यहाँ पे खेल रहे ज़्यादातर अगर देखें तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाए, तो विजन 11 पे ही बनाए। देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे टीम क्रिएट करके रखा था, प्रीव्यूज़ भी आपको दिखा दे रहे हैं सेम टीम्स के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। एकदम टीमों में टॉस के बाद चेंजेस हो सकते हैं, जिसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे देंगे। मैंने कैप्टन को रिस्क लिया, अगर आपको चेंजेस करना हो तो स्टैट्स बेसिस पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, पर देखो जो विजन 11 पे हमारी टीम के साथ खेलेंगे वो हारेंगे नहीं, वन साइडेड सिर्फ क्लीन स्वीप भी होने वाला। तो इन्वाइट कोड में FC के साथ जितने लोग भी नहीं साइन अप किए अभी जाके कर लो, इन्वाइट कोड में FC यूज़ करेंगे तो 100 रुपीज़ का रियल कैश भी आपको दे देगा, तो उस आप 100 रुपीज़ को यूज़ कर पाएंगे।